पेन डायरी निकालो, कुछ बातें लिखो, आपको बहुत कुछ बताना है ना, सिखाना है आपको। योगाभ्यास सिखाते सिखाते कितनी बातों का ध्यान रखना है, इनका एक तो विधि का ध्यान रखना है, समय भी बताते जाना है, एकाग्रता पूर्वक निरंतरता योगाभ्यास, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। एक योगाभ्यास बताते बताते तुलनात्मक बातें भी करते जाना है कि एलोपैथी में क्या विकल्प है, उसमें लाइपोसेक्शन है, उसके अंदर बैरेटिक सर्जरी है, और उसके अंदर आजकल प्रोटीन डाइट एक उपाय अपनाया जाता है कि प्रोटीन रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, उतना ले लो, बाकी चीज़ें कम कर दो। तो फिर लेकिन वो हार्मलेस वेट लॉस के तरीके नहीं है। वेट लॉस करें लेकिन क्या हो, क्या बोलेंगे, हार्मलेस वेट लॉस, जिस तरीके से होता हो वो तरीका सही, जिससे ज़्यादा लाभ होता हो। एक है तुलनात्मक, जब भी कोई बात कहेंगे तो किस में अधिक लाभ है, कोई भी अपनी बात कहनी है तो इतनी सटीक तरीके से कहो, कम से कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देना और सरल से सरल बात कह देना, कठिन से कठिन बात को भी सरल से सरल तरीके से कह देना, इसको कहते हैं अभिव्यक्ति का सामर्थ्य। किसी भी बात को कहने की जो शक्ति होती है उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति का ऐसा हमारा सामर्थ्य होना चाहिए कि एक साथ पढ़े लिखे और विद्वान, अनपढ़ और पढ़ा लिखा समझदार, दोनों को हमारी बात समझ में आए, और एक बात के कहने से सब बातें उसमें आ जाएं, ऐसी बात कहनी आनी चाहिए आपको। दूसरी बात, तुलनात्मक दृष्टि से बात कहेंगे कि लाभ किस में अधिक है, फिर उसको एक दूसरी तरह से मैं कहता हूं, विकल्प आपके सामने, विकल्प है आप भोग का जीवन जिए, आप योग का जीवन जिए, विलासिता का जीवन जिए, आप जितेंद्रियता का, सदाचार का जीवन जिए, दुराचार का, सच जीवन जिए, झूठ का जीवन जिए, ऐसे विकल्प आपके सामने। विकल्प है आप योग को अपनाएं, आयुर्वेद को, प्राकृतिक उपचार को अपनाएं, कि आप एलोपैथी को अपनाएं, कि होम्योपैथी को अपनाएं, कि और तमाम तरह के दूसरे तौर तरीके उनको अपनाएं। विकल्प एक बहुत बड़ा दर्शन है जिस जो आपकी बातों में आना चाहिए कि आपके पास में ये तीन ऑप्शन हैं। विकल्प ऑप्शन बोलते हैं ना, कितने ऑप्शन है भाई आपके सामने, ये एक दो तीन। अब जैसे ब्रह्मचारी रहना है, गृहस्थ बनना है, दो ही ऑप्शन होते हैं, ये तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें ऑप्शन ठीक नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी ठीक नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और भी दुराचार व्यभिचार ठीक नहीं है, खाली कवारा रहना और आवारा रहना भी ठीक नहीं है। ब्रह्मचारी रहना तो ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थ रहना तो गृहस्थ बनो, ये तीसरे चौथे पांचवें छठे विकल्प ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि उनका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे हम एक स्वस्थ समाज की रचना नहीं कर सकते, एक सभ्य प्रगतिशील समाज उनसे बन ही नहीं सकता। तो ऐसे अपनी बात को कहने के आपको तौर तरीके आने चाहिए कि जिससे कि मैंने कहा ना बार बार, आपको 99% लोग ये कह रहे हों कि हमें योग ना करना, और उनको भी आप योग करा सकें, यह है आपका सामर्थ्य, यह है आपकी ताकत, यह है आपका प्रयोजन, ये है आपकी महिमा। और इसमें आपकी कुशलता है, ये आपका एक्सीलेंस। विकल्प ऐसा, अब जैसे कोई कहे कि जी मैं चलूं दौड़ूं मैं क्या करूं, तो आपके सामने किसी भी संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो ऐसे विकल्प आएंगे आपके सामने कि आपको क्या करना है, कैसे अपनी बात को कहना है। तो ऐसे अपनी बातों को कहने के तौर तरीके आपके ठीक होने चाहिए। विकल्प या एक इसके माध्यम से अपनी बात कहें कि आप योग को क्यों अपनाएं, आयुर्वेद को क्यों अपनाएं,
एक्सरसाइज के तौर पर विकल्प करें कि चलना अच्छा है या योगाभ्यास अच्छा है, तो आप कहेंगे योगाभ्यास। क्यों? क्योंकि चलने से सामान्य आपकी थोड़ी कैलोरी बर्न हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, लेकिन उससे सर्वांगीण रूप से आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता। और बॉडी को थोड़ा बहुत आप तेजी से दौड़ लें तो हो सकता है थोड़ा एनर्जी ज़्यादा भी बर्न कर लें, लेकिन बॉडी माइंड सोल सबको एक साथ बेनिफिट नहीं होगा। चलना, दौड़ना, खेलना, तैरना, जिम, उनसे ज़्यादा योग कैसे अच्छा है? तो हर दृष्टि से, माने चिकित्सा की दृष्टि से आप तुलनात्मक अपनी बात कह सकें, व्यायाम की दृष्टि से अपनी बात को कह सकें, जीवन पद्धति, कैसी जीवन पद्धति अडोप्ट करें हम? ऐसे कैसी विचार पद्धति को, कैसे हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडोप्ट करें, कैसी रिलीजियस प्रैक्टिस को अडोप्ट करें, कैसी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करें, कैसी सोशल प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करें, कैसी कैसे जीवन के किस तरह के अभ्यासों को हम अडोप्ट करें जिससे हमारा और समाज का ज़्यादा लाभ होता हो, ऐसी जीवन पद्धति को अडोप्ट करना चाहिए। किसी भी संदर्भ में बात करते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, पारमार्थिक, किसी भी संदर्भ में बात करते हैं तो ऐसे तुलनात्मक किसी भी संदर्भ में बात करते हैं। और मैंने संदर्भ क्या बताए? वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, वैश्विक, किसी भी संदर्भ में बात करें, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, खेती, व्यापार, किसी भी संदर्भ में बात करें, ऐसे जीवन के सैकड़ों संदर्भ होते हैं, ऐसे सैकड़ों संदर्भ होते हैं जीवन के, किसी भी संदर्भ में बात करें तो अपनी बात को तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, अनुभव के साथ करना चाहिए। और भाई जिसमें अपना और सबका ज़्यादा लाभ होता हो, अपना और सबका अधिकतम लाभ होता हो, अधिकतम लाभ होता हो और न्यूनतम हानि होती हो। देखो हर एक बात के दो पहलू होते हैं, किसी भी बात से लाभ होता है तो उससे हानि के होने की भी संभावना होती है, लेकिन वो मिनिमाइज होनी चाहिए। किसी भी काम को करेंगे, हानि होने की तो सब जगह संभावना रहेगी, चलने में भी हानि हो सकती है, दौड़ने में भी हानि हो सकती है, बैठने में भी हानि हो सकती है, सोने में भी हानि हो सकती है, खाने में भी हानि हो सकती है, भूखा रहने में भी हानि हो सकती है, हर बात को मिनिमाइज करना होता है। कभी भी किसी चीज का पूरा अभाव नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, मैंने बीच में इसलिए आपको बताई कि आप इन चीजों के साथ अपनी बात कहें, और फिर मैंने कहा ये समग्रता के साथ अपनी बात कहें। समग्रता एक बड़ा शब्द है, माने वो समग्रता भी अपने आप में, समग्रता को भी समग्रता से समझना, ज्ञान भी समग्रता में, भाव भी समग्रता में, कर्म भी समग्रता में, सब चीजों में समग्रता। मैंने पहले तो मति, भक्ति, कृति के संदर्भ में बात की थी, जीवन के हर पहलू के संदर्भ में समग्रता, जीवन के हर पहलू के संदर्भ में समग्रता, और तब जाकर के आप बात कहेंगे, तब आपकी बात प्रामाणिक होगी, नहीं तो आधी अधूरी बात से बात बनती नहीं है, बिगड़ती है। ये आधी अधूरी बातें मैं देखता हूं समाज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आधी अधूरी बातें हो रही है, देशभक्ति भी बात आधी अधूरी होती है, राष्ट्रीयता की बात आधी अधूरी होती है, जिसको जैसी ट्रेनिंग मिली बस वो एक फिर अपना एक वो बना लेते हैं मत, पंथ, संप्रदाय, कोई अपनी विचारधारा, कोई आग्रह, कोई अपनी एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं, उससे इधर उधर नहीं होना चाहते। कहने को कहते रहते हैं लोग कि हम तो जो भी अच्छा है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिनों से बहुत भयंकर विवाद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, और एक तरह से जैसे तलवारें से खींची हुई थी कि
प्रणव मुखर्जी को संघ के कार्यक्रम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहां पर बोले तो कुछ बोले देखो ये ऐसा बोले, कुछ बोले कि वैसा बोले, बहुत बुरी हालत है समाज की। कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन करते अलग है, बोलते अलग है। इसलिए कहते करनी और कथनी में भी एक रूपता होनी चाहिए। कुछ लोग बाहर कुछ बोलते अंदर कुछ बोलते हैं, जब समूह में बैठेंगे, जब मस्जिद में बैठेंगे कुछ और बोलेंगे, बाहर बोलेंगे कुछ और बोलेंगे, जब मंदिर में बोलेंगे तो और कुछ बोलेंगे, सड़कों पर आएंगे तो कुछ और बोलेंगे, गुरुद्वारे में बैठेंगे कुछ और बोलेंगे, अपने इन हाउस जब मीटिंग करेंगे तो कुछ और बोलेंगे, बाहर कुछ और बोलेंगे। बोले देखो ये तो बाहर की बात है, ये अंदर की बात है, अंदर ये रखना है बाहर ये बोलना है, इसको बोलते हैं हिडन एजेंडा। बहुत खतरनाक, पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट आंदोलन चल रहे हैं, सीक्रेट इस तरह की आइडियोलॉजी चल रही है, गुप्त, बहुत खतरनाक मामला है। हाँ कुछ चीजें गुप्त होती हैं, देश में भी गुप्त होती हैं, अपने शरीर में भी गुप्त होती हैं, अपने शरीर में भी बोलते हैं कि भाई प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारे, उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही समाज के अंदर, देश के अंदर, घर परिवार के अंदर, लेकिन हर बात को जो जैसी है उसको वैसा समझना, लेकिन कम से कम इतना तो सबको करना ही चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर हमें कोई ना तो ऐसी बात कहनी चाहिए न करनी चाहिए जिससे गलत बातों की ओर किसी का ध्यान जाता हो। ये बहुत बड़ी बात है, गलत बातों की ओर किसी का ध्यान जाता हो, न तो ऐसा देखना चाहिए, न ऐसा बोलना चाहिए, न ऐसा करना चाहिए। मैं कुछ भी ऐसा देखूं, कुछ भी ऐसा बोलूं, कुछ भी ऐसा सुनूं, कुछ भी ऐसा करूं, कुछ भी ऐसा खाऊं पीऊं, कुछ भी ऐसा जीऊं जिससे कि किसी का गलत बात की तरफ ध्यान चला जाए। यदि मैं अंडा खाऊंगा तो करोड़ों लोगों का ध्यान जाएगा उसके ऊपर, अरे ये खाने की चीज तो नहीं है। जो मैं खाऊंगा पीऊंगा देखूंगा सुनूंगा बोलूंगा करूंगा उसकी तरफ करोड़ों लोगों का ध्यान जाएगा। इसलिए मैं जो भी कुछ करता हूं ये सोच करके करता हूं कि मुझे कभी भी किसी भी मनुष्य का गलत बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाना। और आपको भी ऐसा ही देखना चाहता हूं, किसी भी योगी भाई बहन को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी का भी गलत बात की तरफ ध्यान जाए। ऐसा वस्त्र, ऐसा विचार, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, किसी भी बात से, हमारे वस्त्र से लेकर के, हमारे चरित्र से लेकर के, हमारी वाणी से लेकर के, हमारे व्यवहार से लेकर के, हमारे आहार, हमारे जो मैंने जीवन के चरण बताए थे ना, आहार विचार वाणी व्यवहार अभ्यास स्वभाव प्रकृति, इन सब में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे गलत बात की तरफ, गलत तथ्यों की तरफ, गलत चीजों की तरफ किसी का ध्यान जाए। बहुत बड़ी बातें हैं जीवन, और योगी के संदर्भ में तो हमेशा कहता हूं मैं, योगियों के संदर्भ में तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि योगी व्यक्ति को संसार में, संसार के सारे योगियों को मैं इस बात को कहता हूं, योगी व्यक्ति को तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। सबसे बड़ी चीज है आचरण, लिख लो इस बात को, नहीं तो सारी बातें बेकार हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज है आचरण, सबसे बड़ी चीज है चरित्र, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार। कोई भी योगी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे योग बदनाम होता हो, तो बहुत बड़ी बात। अब कोई योगी व्यक्ति सिगरेट पिएगा, कोई व्यक्ति दारू पिएगा, कोई योगी व्यक्ति जो है मांसाहार करेगा, तो सारी दुनिया का ध्यान जाएगा। सुन लो अगली बात इससे भी, किसी भी हिंदू व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वेद दर्शन उपनिषद ऋषियों की संस्कृति बदनाम होती हो।
कहने को तो गौरव से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि वेद ही बदनाम हो जाए, ऋषि मुनि बदनाम हो जाए, रामकृष्ण हनुमान गौतम कणादि जमनी पाणिनी पतंजलि दयानंद विवेकानंद ही बदनाम हो जाए। किसी भी मुसलमान व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि इस्लाम और कुरान ही बदनाम हो जाए। मैं सबको बोलता हूं, नहीं देखो एक बात सुन लो, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जमाना ये नहीं देखता कि वेदों में क्या लिखा है, जमाना ये नहीं देखता कि इस्लाम में और कुरान में क्या लिखा है, जमाना ये नहीं देखता कि ईसाइयत में क्या कहा है और उसमें बाइबल में क्या लिखा है। वो कहते कर क्या रहा है, वो तो वही देखते हम तो। और किसी भारतीय व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भारत ही बदनाम हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारत की जीवंत अभिव्यक्ति हूं, मुझमें भारत बसता है। ऐसा ये बात छोटी छोटी है लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य और सत्य है, और इसको एक बार जान लिया तो फिर उससे इधर से उधर नहीं होना। फिर योग को बदनाम नहीं होने देना है, वेद को बदनाम नहीं होने देना, इस्लाम को बदनाम नहीं होने देना, चर्च को और बाइबल को बदनाम नहीं होने देना, भारत को बदनाम नहीं होने देना। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन ये बच्चों के बचपन में बैठा दी जाए, हमारे मन में ये बचपन से बैठी हुई है। बदनाम छोटी छोटी बातों में माँ बाप भी सिखाते रहते, बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अपनी बदनामी हो जाए। ऐसे अपने बच्चों को माँ बाप समझाते हैं, ऐसे मैं गुरु हूँ तो मैं भी अपने बच्चों को समझाता हूँ, मैं भी अपने शिष्यों को समझाता हूँ और मैं अपना काम करूँगा। एक बात और सुनो फिर अगली बात बताऊँगा। कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी ये हमारे साथ लोग कैसे जुड़ेंगे। मैं भी कभी कभी सोचता था कितना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, ये कैसे मेरे साथ जुड़ेंगे। एक बात याद रखो, तुम यदि पूर्ण पवित्रता से जी रहे हो तो करोड़ों आत्माएं आपके साथ अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि आत्मा सबके भीतर ही की जैसा है। कई बार व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं कहीं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा, मैं कहीं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। आप कभी अकेले पड़ ही नहीं सकते। क्यों क्यों? क्योंकि सबके आत्मा में ना जब भी कोई अच्छी चीज देखते हैं, सुनते हैं, किसी के अच्छे जीवन को देखते हैं, किसी के अच्छे काम को देखते हैं, तो सब ऐसे खींचे चले आते हैं। ये सहज आकर्षण है सत्य का सब आत्माओं में, और वेद में भी ऐसा ही कहा है, दृष्टवा रूपे व्या करो सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। क्यों? इसका उत्तर यही है कि हर एक आत्मा की मूल अभीप्सा, हर एक आत्मा का मूल स्वभाव, इस पूरे प्रकृति और अस्तित्व का ही मूल स्वभाव कुछ ऐसा है कि सत्य के साथ हो लेती है, उसके साथ हो लेती है। सत्य इसमें सबसे अधिक सबल होता है, इसलिए यतो धर्म सतो जय सत्यमेव जयते धर्म चक्र प्रवर्तन आए। हमारे सारे जितने भी हमारे स्लोगन लिखे गए हैं ना, मैंने एक पहले एक छोटी सी पुस्तक निकाली थी, उसमें सारे जो है ये स्लोगन लिखे हुए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्लोगन है, हमारी संसद का क्या स्लोगन है, हमारी न्याय व्यवस्था का, हमारी कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधायिका का, ये क्या है, सत्यमेव जयते यतो धर्मस ततो जय धर्म चक्र प्रवर्तन आए। ये हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के स्लोगन है। क्यों? क्योंकि जो मूल प्रकृति है मनुष्य की वो ऐसी ही है, वो इधर ही आएगी अपने आप। अब आप यहां क्यों आए? क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा जगी। अरे एक सन्यासी, एक योगी देश धर्म संस्कृति और मानवता के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए। इसलिए आप आए, पूरे देश से, पूरे भारत देश से, पूरे नेपाल देश से आए। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में जो मूल ऋषि संस्कृति है वो आपको यहां तक खींच करके ले।